क्रिकेट कुछ के लिए शायद सिर्फ एक गेम है, बहुतों के लिए रिलीजन, लेकिन मेरे लिए एवर सिंस आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ हु आई एम, तब से क्रिकेट मेरे साथ है। जब से सीधा खड़ा होना सीखा है तब से अब तक हाथ में बल्ला रहा है। आई हैव नॉट जस्ट प्लेड दिस गेम, आई हैव लिव्ड इट। हर दिन हर सेकेंड इतनी बातें, इतनी यादें, इतनी दुआएं जुड़ी हैं मेरे 25 साल के इस करियर के साथ। एंड टुडे आई फील लाइक रीलिविंग ऑल दोज मोमेंट्स ऑल एट वंस। आई लव द स्पोर्ट बट I also hate this sport. I love this sport because it's given everything to me. I hate this sport because it's been very tough on me mentally. Purana ghar purani yaad. Dekho yahan pe tum paida hue, yahan pe tum bade hue, isi ghar mein rehke tum India khele. Itthe tusi bouncer bhi badi mari hai. Badhiya bouncer yahan itho full wicket si. This path was chosen by my father for me. वो चाहते थे कि वो अपने सपने मेरे करियर से पूरे कर पाएं, जो वो नहीं कर पाए। जब आप बच्चे को पैदा करते हो, खुदा से मांगते हो, तो अपने खजाने से एक बहुत खूबसूरत चीज को, गिफ्ट को आपको देता है। और जब ये चलने लगा था तो मुझे लगा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है। और सिंस मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, मैंने क्रिकेट खेली, तो ऑब्वियसली हर पिता चाहेगा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम में उसका बेटा चले। पुराने घर में आया बट आई थिंक मेरी फादर की यादें आज भी ताज़ा हैं यहाँ पर। आई थिंक मेरी फादर की फ़ोटो लगाई है सबने। द लॉन्ग लिव द ड्रैगन, ये ड्रैगन है जो आग छिड़कते हैं। हमारे ड्रैगन ये है जो बाउंसरों के साथ आग छिड़कते थे। ये वो फेमस बैकयार्ड जहाँ आपने गार्डन निकाल के yes. और सीमेंट लगा दिया था, फ्लड लाइटें लगा दी थी, और मम्मी ने आपको बोला कि मेरे बेटे को चोट लग सकती है, और आपने बोला कि हमारे बीच में आज के बाद कभी मत आना। ठीक है, तो आपको याद है वो बातें? हाँ याद है। तुम्हारी दादी भी बड़ा शोर मचाती थी, हाय मेरा बच्चा मर जाएगा, हाय ये हो जाएगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये लेजेंड बनेगा, मुझे पता है। काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरे मदर फादर की। घर नहीं था ये, एक्चुअली एक सेमी तरह की जेल थी के प्रैक्टिस जिम प्रैक्टिस जिम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच, सो इट वाज अ क्वालिटी जेल आई वुड से फॉर मी। नहीं ए बेटा जी, कोई अच्छी बात भी मेरे लिए बोलो, इतनी मेहनत पिता ने तुम्हारे लिए की है। ये कौन सी जेल थी भाई? वो जेल नहीं है, यहाँ पे एक चैंपियन पल रहा था, ऐसे बोलो। मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे, दोस्तों से नहीं मिलना, अपने कज़न से नहीं मिलना, और क्रिकेट में सारा टाइम देना, छुट्टी पे नहीं जाना। तो आई थिंक बहुत से सैक्रिफाइसेस थे जो उस टाइम पर वो किए। नॉर्मल लाइफ जो होती है दोस्तों के साथ और बाहर घूमना फिरना, वो बिल्कुल नहीं थी। जैसे वो बच्चा भाग रहा है वहाँ पर, तो उसको अभी 8-10 राउंड लगाएगा, मेरे को 50 राउंड लगाने पड़ते थे। जब मैं छोटा था आई वॉज नॉट यूज टू बींग इन द सन और भागना। जब मैं यहाँ पे आके कॉलेज के प्लेयर्स को देखता था वो कैसे भागते थे, तो वो 16-17-18 साल के लड़के हैं और मैं 10 साल का हूँ, तो मुझे भी उनकी तरह भगाया जा रहा है, विच वॉज वेरी हार्श। आई फेल्ट गुड थिंग वॉज दैट ही नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन मी एंड द अदर बॉयज। इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट यू हैव टू ट्रेन लाइक देम, if you can't then you go home। apa idhe start kiti cricket ha yaar bhai yes mujhe fast bowling se dar lagta hota tha, aur aapne idhar pace academy ke ladko ko bola isko bouncer maro yahan par, aur maine aapko bola papa helmet dal lu main, aapne bola oye vivichar ne helmet nahi dali to tu bhi nahi dalega। yuvraj ko maine sir garfield sobers ke roop mein, युवराज सिंह मैंने विव रिचर्ड के रूप में देखा,
दोनों का कंबिनेशन देखा, क्योंकि अगर आपका टारगेट बड़ा लो है ना तो आप जिंदगी में कुएं में जाके गिरते हो। टारगेट अपना माउंट एवरेस्ट के ऊपर तारों पे है तो आप जाओगे जरूर, आधे में चले जाओगे तो बहुत बड़ी बात। आई लव्ड स्केटिंग बिकॉज इट वॉज इनडोर्स, आई जस्ट एंजॉय द स्पोर्ट, आई वॉज वेरी यंग, बट एवरी टाइम आई वॉक टूवर्ड्स स्केटिंग रिंग माई फादर वॉज वेरी अनहैप्पी टू सी दैट, मतलब मेरे को डिसलाइक करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जब मैं जीता अपनी रेस, जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज अ सन मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग, एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड यू नो फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज़ खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता और वो चीज़ को माने या ना माने। इंशाल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। मुझे पता था कि अगर मैं यूवी को टेनिस खिलाऊंगा तो बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनेगा, अगर वो स्केटर बनेगा तो बहुत बड़ा स्केटर बनेगा। तो सारी की सारी जो एनर्जी थी मैं उसकी क्रिकेट में ही लगाई, वो मेरा थॉट था और मैं चाहता था और मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। सडनली यहाँ बैठ के याद आया, मैं दोबारा आया स्केटिंग रिंग, पता है मेरे फादर को बताना नहीं था कि मैं दोबारा स्केटिंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ के बैठ गया, रेस हो रही थी और मैं रेस में पार्ट लेने में मैं इतना डर गया, मैंने कहा अगर मेरा बाप दोबारा आ गया ना तो पिटाई होगी, मैं रेस छोड़ के यहाँ के बैठ गया। आई वॉच द फुल रेस। ऐसा खौफ होना चाहिए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, और फिर ही गेव मी ओनली वन चॉइस टू प्ले क्रिकेट। तो आई थिंक वो थोड़ा चाइल्डहुड बैगेज है कि मुझे पसंद नहीं था, बट मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी थ्रू माय पाथ एंड मदर हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी जब भी इन टफ टाइम्स। फादर से बचाना, अपने ऊपर ले लेना, कहीं भी मैंने कोई भी अगर डिसीजन लिया लाइफ में, मदर हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। जब एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है दूसरे को तो ढीला होना ही पड़ता है, तो मैं तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी। मैं कहती थी तू जो मर्जी कर, तूने क्रिकेट खेलनी है और अगर तूने पढ़ाई नहीं करनी तो कंप्यूटर कर ले, कल को कम से कम तेरे पास कोई चीज़ तो है फॉल बैक करने के लिए। तो मैंने कभी उसको ऐसे प्रेशराइज नहीं किया, माँ तो हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते ही है। मामा, आपका सुपरस्टिशन क्या होता था मेरे मैच से पहले? सुपरस्टिशन मैच से पहले नहीं होता था, मैच के बीच में होता था कि तेरे को बैटिंग करते ना देखूं, जैसे ही मैं अगर बीच में आ गई तेरे को बैटिंग देखते तो तू आउट हो जाता था। ये किस तरह का सुपरस्टिशन है? मैंने अपनी मदर को बहुत बारी बोला कि आके मेरा मैच देखो, और जबकि भी बार वो मैच देखने आई है और अगर मैं बैटिंग करने आया तो मेरी माँ मैच छोड़ के भाग जाती थी, और जहाँ भी भगवान की फोटो होती थी वहाँ जाके नीचे बैठ जाती थी। तो आई थिंक दैट इज माई मदर सुपरस्टिशन। और जैसे ही मैं वापस आती थी अगर मैं बीच में आके देखने लगी थी वैसे ही आउट हो जाता था, ये मेरी बहुत बड़ी सुपरस्टिशन थी, हमेशा ये हुआ। एक्चुअली आई वाज होपिंग दैट माय मॉम वुड कम एंड वॉच माय मैचेस, बिकॉज मम्मी का इतना डर नहीं रहता था, मुझे पता था कि मामा विल गेट नर्वस बट शी एंजॉय इट, बट आई वुड नॉट एंजॉय इफ माय फादर केम एंड वॉच माय गेम, वो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता था।
So I was happy with my mother coming and watching the game. It is dream of any cricketer कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे क्योंकि उस टाइम पे तो IPL भी नहीं होती थी सो देयर वाज नॉट श्योरिटी कि आपको करियर मिलेगा नहीं मिलेगा तो वहाँ से क्रिकेट खेलना यू नो विनिंग इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप देन प्लेइंग फॉर इंडिया वाज अ बिग ड्रीम कम ट्रू ऑब्वियसली देयर वाज नेवर अ कांस्टेंट हाई मुझे याद है जब इंग्लैंड में अच्छा खेला था नेटविस में तो फ्रैक्चर हो गया उंगली में उसके बाद अगले 2-3 साल अच्छे जा रहे थे फिर आई ब्रोक माय नी इन 2006 देयर वाज अ वेरी बैड इंजरी और उसके बाद अगेन वी वन द T20 वर्ल्ड कप अगेन ऑन अ हाई बट वर्स्ट थिंग वाज ऑब्वियसली कैंसर हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यू नो ऐसे बीमार हो जाऊंगा आई वाज नॉट डिफीटेड बाय कैंसर I didn't accept कि ये बीमारी मुझे डिफीट कर सकती है सो आई नेवर गिव अप वो मोमेंट्स बड़े वो होते थे कि मैं तुझे दिलासा दूं कि खुद को दिलासा दूं और तू किसी से बात नहीं करता था उन टाइम्स पे स्पेशली जब तू ड्रॉप हो जाता था और अगर कोई भी तेरे को दिलासा देने की कोशिश करता था तो मम्मी मेरे को बोलता था मम्मी मेरे को ये झूठे मूठे दिलासे मत दो तो उस टाइम समझ नहीं आता था मैं क्या बोलूं तुझे कि कैसे हाउ आई कैन बी योर स्ट्रेंथ और एक ही तरीका था दैट आई कुड ओनली प्रे फॉर यू एट दैट टाइम फॉर गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा सारी टफ मोमेंट्स थी बट आई थिंक वी हैव कम आउट ऑफ इट एंड गॉड हैज़ बीन काइंड आई ओन एवरीथिंग टू माय मदर एंड फादर एंड माई गुरु जी जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ते पे डालने की कोशिश की आई थिंक ये तीन लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मेरी लाइफ में जिनके करके मैं इतने साल क्रिकेट खेल पाया हूँ बिंग युवराज सिंह के भाई अच्छा लगता है और भाई का भी नाम जैसे रोशन हुआ है बहुत अच्छा यूवी पाजी के लिए मम्मा और मैं बहुत प्राउड हैं और पूरी दुनिया मतलब तालियां मारती है एंड आई ऑल द बेस्ट यूवी व्हाट यू डू Top three moments in my career would be definitely winning the 2011 World Cup, hitting 6 sixes, and probably scoring my first Test 100. I think these three moments would be very special to me. 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. I still remember the noise. That we had that night when we were about to win and Dhoni hit that six. India left the World Cup after 28 years. The party start in the dressing room. I don't think that moment is ever going to come back in my career because this is it for me. You always have to move forward in life and I think this is the right time to go. This is the ground where I experience the best high of my career and no better place to end it. I have been playing international cricket on and off for 17 years now. I have given my all to this game and it has given me so much in return. Cricket pitch par jiya har moment mere liye special raha hai. Par ab it's time to say goodbye and walk away. It was a great roller coaster ride and a beautiful story, but it has to come to an end. I was playing a cricket match, Ranji Trophy here when you were born. Your grandfather was standing there and I was fielding in covers. Puneet Bali was a young kid. So my father gave a chit and it was written, you're blessed with the sun. And everybody hugged me during the match. Leaving all this is very important because I think closure बहुत important था मेरे करियर में कि मुझे close कैसे करना है
यहाँ पे आना, गोइंग टू द प्लेसेस वेयर आई स्टार्टेड ट्रेकिंग व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड रिमेम्बरिंग ऑल द मोमेंट्स, दे वर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे पुट अ स्माइल ऑन माय फेस.